दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यदि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर, म्यूजिक पर या साउंड पर यदि आप रील बनाते हो तो आपकी जो रील है ना उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे पता कर पाओगे कि अभी जो म्यूजिक है वो ट्रेंडिंग पर कौन सा म्यूजिक है, कौन सा साउंड है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप बहुत ही आसानी से जान जाओगे कि हाँ ये जो म्यूजिक है ये अभी ट्रेंडिंग पर है और आप उसे यूज कर सकते हो। कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा जिससे आप जान सकते हो कि हाँ ये जो म्यूजिक है अभी ट्रेंडिंग पर है। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, एंड वीडियो पसंद आया ना लास्ट में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली ट्रिक बता देता हूँ। पहले ट्रिक में देखो, यदि आप कोई भी रील देखते हो ना, रील इस तरह से स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर आप एक नीचे एक सिंबल देखते होगे इस तरह से बना होता है, तो वो जो म्यूजिक रहते हैं ना वो अभी ट्रेंडिंग पर चल रहे होते हैं। जब आप उसके अंदर जाके देखोगे ना तो उस समय उसमें बहुत कम रील बनी हुई रहती है, फिर उसके बाद फिर उसमें आप एक दो दिन में या फिर एक दो घंटे में यदि आप उस पर देखते हो तो बहुत ज़्यादा रील बन चुकी होती है। ये आप ट्राई करके देख भी लेना, तो वो जो म्यूजिक रहते हैं वो ट्रेंडिंग पर रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो पहला तरीका है आप जान सकते हो कि हाँ ये जो म्यूजिक है ये अभी ट्रेंडिंग पर है। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ना, ये आप कैसे पता कर सकते हो कि अभी जो ट्रेंडिंग पे कौन सा सॉन्ग चल रहा है। देखो, आपको सर्च बार पर जाना है और यहाँ पर एक्सप्लोर वाला जो ऑप्शन रहता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सी रील आती होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो वो जो रील तो आ रही हैं, तो वहाँ पर आप टच कर करके देख लेना, वहाँ पर वो जो रील रहती है ना वो अभी ट्रेंडिंग पर चल रही होती हैं। तो वो जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर दिखाता है कि हाँ ये जो रील है अभी ट्रेंडिंग पर है और ये जो म्यूजिक है ट्रेंडिंग पर है। यदि वहाँ पर टच करके देख लेना, बहुत सी ऐसी रील होती हैं, यदि वहाँ पर आपको उस तरह का सिंबल दिखता है ना इस तरह से, तो समझ लेना कि हाँ कि ये जो म्यूजिक है अभी ट्रेंडिंग पर है और आप उसे सेव कर सकते हो, है ना, और या फिर आप उसे यूज भी कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये तीसरा तरीका। आप तीसरे तरीके में आप कैसे पता कर सकते हो, देखो आपको सर्च बार पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना क्या जो आपकी जो कैटेगरी है, या आप फनी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, या फिर आप कोई जोक से रिलेटेड, या फिर कोई टेक्निकल, या फिर मतलब बहुत से ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें आते हैं। तो यदि आप उस कैटेगरी से रिलेटेड यदि आप वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर सैड कर लेता हूँ ना, आजकल सैड रील भी बहुत चल रही है, यहाँ पर मैंने कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है टैग के सेक्शन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा जो टैग है ना, हैशटैग वो ज़्यादा यूज़ किए होते हैं ना, उनको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी जो रील हैं बनी हुई रहती हैं, तो उन रील को आपको टच करना है और फिर इस तरह से स्क्रॉल करके देखना है। फिर आपकी जो कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी को पसंद करते हो उस कैटेगरी के आपको जो म्यूज़िक हैं वो मिल जाते हैं। वहाँ पर भी आप देख सकते हो वो जो सिंबल रहता है ना, वो सिंबल यदि जिस म्यूज़िक पर दिख रहा है उस कैटेगरी के रील पर, तो समझ लेना कि हाँ ये जो म्यूज़िक है अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है और यदि आप उस म्यूजिक पर रील बनाते हो तो वायरल होती ही है ना। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।